Charlie. Charlie. Yeah. Okay. New York. New York. Okay. Yeah. So anything you like the most in India as compared to America? This was not supposed to be on the camera. बर्फ की सिल्ली पे बैठ गई है। हाँ तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं सोमोरीरी लेक। अब ये जो जगह है ना, इट इज़ स्टिल अनएक्सप्लोर्ड एंड इट इज़ कॉल्ड सेक्रेट लेक। अब सेक्रेट लेक इसलिए बोलती है, आप मैं क्या बोलूँ, आप खुद ही देख लो एक बार, आपको दिखाते हैं कि क्या है ये जगह। सो देखो उसमें कलर्स कितने हैं लेक में, और हम इतने लकी हैं कि ये लेक आधी फ्रोज़न है, इनफैक्ट आधी से ज़्यादा 70-80% ये फ्रोज़न है। बाकी ये पानी का कलर देख लो, ब्लू ग्रीन अलग अलग कलर, और आगे जो आप व्हाइट पार्ट देख रहे हो वो सारा फ्रोजन है दोस्तों। सो सोमोरीरी लेक हमारी आइटिनरी में नहीं थी, आप लोगों की भी आइटिनरी में नहीं होगी, क्योंकि ये लेक कंसिडर नहीं करते लोग, पैंगोंग ही घूम के चले जाते हैं। तो इसको कंसिडर करना मेरे हिसाब से तो आपको करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आना अपने आप में एक्सपीरियंस है, और हम लकी हैं कि हमें फ्रोजन मिल गई है। तो आप भी आइए और बाकी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आना चाहिए आपको। अब यहाँ पे आने से पहले जो यहाँ का रास्ता है, जर्नी है जो दोस्तों, वो जर्नी अपने आप में बहुत सुंदर है। बीच में छोटी सी लेक आएगी, वो देखना बहुत ज़रूरी है। वो व्यू अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल है, जितना ब्यूटीफुल ये है उतना ही ब्यूटीफुल दोस्तों वो जगह भी है। तो जर्नी हमेशा एज पर गौतम सर क्या बोला था आपने, जर्नी ज़्यादा बेटर होती है डेस्टिनेशन से। और दोस्तों टेम्परेचर यहाँ का अभी ही -5-6 तो होगा ही सर, और मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोग भी आइए, हमारी वीडियो देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे जल्दी। सो दोस्तों ये वो लेक है, छोटी सी लेक जो सोमोरीरी जाने के रास्ते में आती है। अब हम वापस जा रहे हैं ले, तो हमने एक स्टॉपेज लिया है आप लोगों के लिए स्पेशली कि आपको ये दिखाया जाए सुंदरता। देखो पहाड़ हैं, रेगिस्तान है, और फ्रोजन लेक है, तो छोटी सी लेक है। यहाँ पे ज़रूर रुकना, 5-6 मिनट का स्टॉप लेना, फ़ोटोज़ खिंचवाना, और बहुत मज़ा आएगा आपको। सो भाई हम आ गए हैं हॉट वाटर स्प्रिंग। अब देखो इसका आपको दिखाते हैं लुक कैसा आ रहा है। हेमिस मोनेस्ट्री, चलिए ऊपर चलते हैं। कैप्टन रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग सर। सो आज हम दोनों आर्मी यूनिफॉर्म में, कौन सी बटालियन से हैं? नॉट ए बटालियन। सो दोस्तों यहाँ मोनेस्ट्री में आके ₹50 की एक टिकट मिलती है। टिकट लेके आप सीधा चलिए ऊपर और मोनेस्ट्री प्रे करिए, एंजॉय करिए, वाइब एंजॉय करिए, हम भी एंजॉय करते हैं। गाइस हम आपको अंदर लेके चलते हैं अगर कैमरा अलाउ हुआ तो। सो
सो गाइस, हेमिस मोनेस्ट्री में जैसा कि कोई भी मोनेस्ट्री में कैमरा, फ़ोन, बैग्स कुछ भी अलाउड नहीं होते, तो आपको सब कुछ बाहर रख के जाना होगा। तो आप देख लो, ये हेमिस मोनेस्ट्री है और अंदर काफ़ी सुंदर है। सो जाना तो बनता है अगर आपके पास टाइम है तो। सो भाई, अब हम आ गए हैं ठीक से मोनेस्ट्री में। सो यहाँ पे बहुत चलना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा वॉक करनी पड़ेगी, तो अपना ऑक्सीजन थोड़ा बढ़िया से भर के रखना अपने लंग्स को। और यहाँ पे UPI नहीं चलता, सिर्फ कैश चलता है भाई। ठीक से मोनेस्ट्री में तो सीढ़ियाँ चढ़ने में फट ली। व्यू देखो पीछे। सो बैठ के चलो, यहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह पे बैठ जाओ, कुर्सियाँ लगा रखी हैं। भाई मेरा तो ऑक्सीजन 79 चला गया था, तो फिर ऑक्सीजन फुसफुस करना पड़ा। सो फाइनली सांस भर भर के हम पहुंच गए हैं। हे गाइस, सो वी जस्ट मेट एंड व्हाट्स योर नेम? चार्ली। Charlie. Yeah. You're from? New York. New York. Mm-hmm. So I came to Ladakh for a week in the middle of a longer trip through India. And I came to Ladakh because how could you not come to Ladakh? I mean, it's beautiful. So how do you find this weather? This is exactly like it is back home, unlike Rajasthan, which is not how it is back home. Okay. Yeah. So what do you, you know, what's your favorite part? Rajasthan, or you have covered Ladakh, and even you covered Delhi also, right? Yes, I think the most beautiful city that I've been to is Udaipur. Udaipur. Yes. After being in the desert for a few days, to come in and be surrounded by water, just a wonderful city, beautiful sunsets. Okay. Yeah. So anything you like the most in India as compared to America? Oh, well, lots of things I like more about India than America. Yeah.